अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इकफेस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डील डन के फर्स्ट एपिसोड में आप सबको वेलकम करता हूँ। हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड देखा ना, वी आर लकी टू बी ऑन द फर्स्ट एपिसोड। हमारे साथ आज मौजूद हैं साद भाई फ्रॉम टॉप व्हील्स। साद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। साद भाई, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? आई टॉप व्हील्स फॉर लिविंग। हाँ, अब ऑब्वियसली हम टॉप व्हील्स पे हैं। हाँ, अच्छा, बेसिकली आई एम द CFO एंड ओनर ऑफ टॉप व्हील्स। ठीक है जी। और बस हम शौक से भी करते हैं और प्रोफेशन भी है, तो गाड़ियों से रिलेटेड ही हमारा सुबह शाम यही काम है। तो गाइस, साद भाई भी कार इंथुजियास्ट हैं और बाय एंड सेलिंग में डील करते हैं, तो आज हम चेक करेंगे कि इनके पास कौन कौन सी इन्वेंट्री खड़ी हुई है। बाकी हमें जो डिटेल्स जो हैं वो साद भाई देंगे। तो साद भाई, शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आपको किस कैटेगरी से स्टार्ट लेना है? आई गेस स्पोर्ट्स कैटेगरी बेस्ट रहेगी। स्पोर्ट्स कैटेगरी, फिर RX-8 की तरफ पहले चलते चले जी। ये 2007 मॉडल की RX-8 है। ठीक है। मेन चीज़ इसकी जो है कि एक तो ये बॉडी से टोटल जेन्युइन है, इसमें कोई रिपेंट वगैरह नहीं है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये, और 2012 या 2013 की क्लियर है आई गेस। इसके अलावा इसका वाइट रूम, जो जिसको बेज रूम भी कहते हैं, वो जेन्युइन है। कलर गाड़ी का बहुत यूनिक, कलर गाड़ी का बहुत यूनिक है। मतलब आपको RX-8 आजकल मार्केट में इजीली जो मिल जाती है, वो थोड़ी सी या रफ होगी या वो इंजन स्वैप हुआ होगा, ये जेन्युइन अपने रोटरी में है और फुल कंप्रेशन में है। बाकी आप गाड़ी इसको अगर देखते हैं तो इसमें अलॉय व्हील, इसमें छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स की जो चीज़ें हैं, जो स्टिकर्स हैं, तो कंप्लीट गाड़ी है। इसका मॉडल और इम्पोर्ट वगैरह ज़रा बता दें। 2007 मॉडल है और 2012 की इम्पोर्ट है। अच्छा, और साथ में इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड इसकी हम करते हैं 5 मिलियन। सही है, और फिर बाकी नेगोशिएशंस बाद में कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ, बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो आफ्टर मार्केट इसमें ये R3 लाइट्स हैं, जो कि इसकी ब्यूटी को आप देख सकते हैं काफ़ी इन्हेंस करती है। और मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इस गाड़ी के अंदर, छोटी सी मॉडिफिकेशन है। मोस्टली अगर आप देखते हो तो गाड़ी स्टॉक है, बट ये छोटी चीज़ों से गाड़ी की खूबसूरती है। स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये हमारे पास पहली गाड़ी RX-8 थी, इसके बाद कौन सी है साथ भाई? RX-8 के अलावा अगर हम देखते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में इस टाइम पे, आई गेस ये C63 है। C63 देख लें। हाँ, ठीक है, C63 है कन्वर्टेड। इसकी डिटेल्स मैं आपको खैर फ़ोन से देख के ही बता दूंगा। C63 जो है ये 2009 मॉडल है, और जो डोनर मॉडल है वो भी इसका 2009 ही है। रजिस्टर्ड ये 2011 में हुई हुई है। इसके अलावा 6.2 लीटर V8 है ये, 451 हॉर्स पावर जनरेट करती है, और है ये इस्लामाबाद रजिस्टर। सनरूफ वाली गाड़ी है? हाँ, सनरूफ वाली गाड़ी है, जेन्युइन। जो डोनर और रिसीवर है वो दोनों सनरूफ हो तो फिर उसकी कन्वर्जन भी अच्छे से हो जाती है। आपको उसमें कोई कट एंड वेल्ड नहीं करना पड़ता, आपको उसमें कोई अल्ट्रेशन बॉडी में नहीं करनी पड़ती। तो बाकी जो इंटीरियर है और जो इंजन है वही स्वैप हो जाता है, बाकी बॉडी वही हो जाती है। फ्रंट पर आप देखते हैं तो गाड़ी फ्रंट से तो पूरी स्टॉक ही है। इसमें जो ये लिप है फ्रंट का, और इसके साथ ये फिन्स लगे हुए हैं बम्पर में, ये आफ्टर मार्केट है, कार्बन फाइबर है। इसके साथ अगर आप साइड से देखते हैं इसके अलॉय व्हील्स को, तो ये एफल्टर बैच एग्रेसिव 20 इंच के अलॉय व्हील्स हैं इसके अंदर। स्टैगर्ड व्हील सेटअप है ना? हाँ, स्टैगर्ड है। और इसके साथ साथ हम अगर बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे आपको ये कार्बन फाइबर का एक स्पॉइलर नज़र आएगा, ये इसमें आफ्टर मार्केट है। और डिफ्यूजर भी कार्बन, डिफ्यूजर भी कार्बन फाइबर, एग्जैक्टली। जी जी जी। तो ये इसमें ओवरऑल बस कार्बन फाइबर पार्ट्स हैं। इंटीरियर को अगर आप देखते हैं तो इंटीरियर की तरफ चलेंगे, आए आपको मैं इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर में आ जाती है इसकी ये बकेट लेदर सीट्स आ जाती हैं, इसके साथ इसका ये कार्बन फाइबर जो AMG स्टेयरिंग है ये आ जाता है, और इलेक्ट्रिक मेमोरी सीट्स हैं इसके साथ साथ, और बाकी 6.3 लीटर है ये। जो कि एक डेली रूटीन कार तो आप नहीं कह सकते, ये एक आप वीकेंड कार। हाँ, वीकेंड कार है, आप इसको वीकेंड कार कह लें। डिमांड इसकी हम करते हैं 115, और बाकी फिर जो है नेगोशिएशंस हो सकते हैं। सही सही सही, ठीक है। अच्छा साद भाई, इसके बाद हम चलते हैं यार इकोनॉमी क्लास में, इकोनॉमी क्लास की। चलो आज इकोनॉमी क्लास की तरफ। अगर इकोनॉमी में किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जो कि इकोनॉमी प्लस स्पोर्ट्स, हाँ इकोनॉमी प्लस स्पोर्ट्स में, तो फिर ये ऑल्टो वर्क्स हमारे पास है। बेसिकली ये आती है टर्बो, है 660 ही, बट दिस इज टर्बो। इसमें जो अलॉय व्हील्स आप देख सकते हैं, ये फ्रंट पे इसकी प्रोजेक्शन लाइट्स हैं और क्रोम है, ये इससे वर्क्स की जो मॉडिफिकेशन है, वर्क थीम है, वर्क थीम बेसिकली। ये फ्रंट का इसका बम्पर चेंज आ जाता है, इसमें ये फॉग लैंप्स आ गए हैं।
साथ साथ इसमें आप अगर ये साइड मिरर को आप देखते हो रेड, तो वो एक थीम ये रेड टच बड़ा अच्छा लग रहा है पर्ल व्हाइट के साथ। आरएस टर्बो की स्टिकरिंग आ जाती है नीचे, ठीक है। 15 इंच अलॉयज है ना? हाँ जी, और ये टर्बो वेरिएंट होता है? टर्बो वेरिएंट है। इसमें आपको जो ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाता है, इसी तरह कीलेस है तो फिर पुश स्टार्ट भी है। और बैक साइड पे आते हैं, ये रेड स्पॉइलर काफी अच्छी लुक दे रहा है इसमें। एक ये क्रोम स्ट्रिप है बैक साइड पे, और ये वर्स के इधर आपको लोगो नजर आएगा। और ये जो पिछला बंपर है इसके डिफ्यूजर में आप देखें, अब यहाँ पे भी क्रोम है और वो स्पोर्ट्स की एक लुक दी गई है। छोटी गाड़ी के अंदर अपनी तरफ से जो हो सकता था इसमें हुआ है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इकोनॉमिकल में, अगर हम देखें तो ये टाफ्ट है। टाफ्ट डायट्सू टाफ्ट, सही यार। मैं इसको कहता हूँ कि इसने जिमनी की मार्केट को मार दिया। मतलब जिमनी वाज वेरी एक्सपेंसिव, छोटी जीप के अंदर लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये जिमनी और मिनी जीप वगैरह जो है काफी एक्सपेंसिव आ रही थी, जापान से भी एक्सपेंसिव भी आती है। सही साथ भाई, ये इसका सनरूफ है कि क्या है? नहीं, ये सनरूफ नहीं है, बेसिकली ये ग्लास ओपन नहीं होता, नीचे से कर्टन हट जाता है, ये मून रूफ है। अच्छा, ठीक है। मतलब आपको अंदर ड्राइव के टाइम में बहुत अच्छी फील देता है ये, आपको लाइट डे लाइट पूरी मिलती है इसके अंदर। वैसे काफी अच्छी गाड़ी है, 660 में मतलब आपको मून रूफ भी मिलेगा, और इसी वजह से लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इसमें अगर आप मार्केट में देखो तो आपको ऐसे ही कलर्स मिलेंगे, आपको ग्रीन, ऑरेंज, ग्रे, ये वाला कलर, तो काफी अच्छी गाड़ी है ये। ओवर फेंडर्स को आप देख लें इसमें। साथ भाई, इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस नॉर्मल मार्केट में जो है 40 से 45 के बीच में। अच्छा, मैक्सिमम ये गाड़ियां आर ग्रेड में आई हैं, क्योंकि अगर ग्रेडेड गाड़ी इसमें कोई इंपोर्ट करता है तो एक्सपेंसिव पड़ती है। ठीक ठीक ठीक, हाँ। इंटीरियर इसका बड़ा खूबसूरत है, अगर आप दिखाना चाहें इसमें आप इंटीरियर दिखा दें। थोड़ी सी इसकी लाइटों के बारे में बता दें यार। लाइटें इसकी है एलईडी लाइट्स। इसका जो टर्बो वेरियंट आता है उसमें फ्रंट पे यहाँ पर एक क्रोम की ग्रिल टाइप आ जाती है, जो कि इसमें नहीं है क्योंकि नॉन टर्बो वेरिएंट है। ठीक 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 है। इसके जो अलॉय व्हील्स हैं ये इसमें सिल्वर आते हैं, और जो टर्बो वेरिएंट है उसमें ग्रे कलर के आते हैं। वो थोड़ी सी इससे चेंज होती है लुक में। और ये साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल हैं। इसके अलावा ये डोर हैंडल्स को आप देख लें, ये असल में डुअल कलर में आता है। ठीक ठीक, टू टोन में आता है। बैक साइड से बड़ी अच्छी, हां बैक साइड से अगर आप देखें तो इसका ये जो एलईडी लाइट्स हैं ये बहुत अच्छी लुक दे रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद चलें फिर दूसरी गाड़ी की तरफ। हाँ जी साहब भाई, इसके बाद आप कौन सी गाड़ियां हमें दिखाएंगे? यार इसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमी पैकेज में, दूसरा कौन सी? इकोनॉमी पैकेज में ये बहुत अच्छी गाड़ी है जो कि अभी फ्रेश इंपोर्ट है। रिसेंटली मैंने इसका रिव्यू भी किया था अपने पेज के ऊपर। ये है टोयोटा यारिस क्रॉस। इसकी जो व्हील बेस है वो टोयोटा यारिस की है। फ्रंट से अगर हम इस गाड़ी को देखते हैं तो इसमें ये फ्रंट हेडलाइट्स जो हैं ये एलईडी लाइट्स आती हैं। ठीक है। और जो इसके बेस वेरिएंट्स है उसमें हेलोजन आते हैं, वो सिंपल बल्ब वाले, वो भी हाइब्रिड होते हैं। वो भी हाइब्रिड है, बट वो फोर व्हील आती है उसको। अच्छा, अच्छा। E4 आई थिंक कहते हैं, और वो फोर व्हील ड्राइव होती है, ये टू व्हील ड्राइव है। ठीक ठीक ठीक। इसके फ्रंट पे आप देखें यहाँ पे आपको रडार मिल जाता है, ये ब्लू जो टोयोटा का अपना सिग्नेचर लोगो है हाइब्रिड गाड़ियों का। ठीक है। और हाइट अगर आप देखते हैं रोड क्लियरेंस इसकी काफी अच्छी है। वीजल की हाइट जितनी होगी इसकी? हाँ, तकरीबन वीजल जैसी है, बट छोटे साइज में है। बी सेगमेंट की गाड़ी है। बी सेगमेंट में अगर आप देखते हैं तो ये किया की स्टोनिक आ जाती है, तो उस लिहाज से ये फिर हाइब्रिड है। ठीक है। अभी स्टोनिक में रिसेंटली ड्राइव कर रहा था तो स्टोनिक मुझे दे रही होती है 12 से 13 की एवरेज। अच्छा, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल सिविक की एवरेज है, नॉर्मल जो गाड़ियों की। ये हाइब्रिड है, कंपनी ये क्लेम करती है कि आपको 25-26 किलोमीटर पर लीटर दे देती है लोकल में। हाँ, इजीली काफी अच्छी है। ठीक ठीक ठीक। तो बैक साइड पे इसकी आप देखें, ये कनेक्टिंग लैंप्स हैं इसके। ठीक, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं इसमें। अच्छा, ये आप लोग की सेल्फ इंपोर्ट है? हाँ, ये हमारी सेल्फ इंपोर्ट है। ठीक, ठीक। और 23 के एंड की इंपोर्ट है। क्या डिमांड है इसकी सर? इसकी डिमांड जो है अगर आप इसमें नॉन ग्रेडेड गाड़ियों को देखते हैं वो आपको फिर अच्छी भी मिल जाती है। ये 95 लाख रुपीज इसकी हम डिमांड कर रहे हैं। आपको 80-85 में जो मिलती है वो नॉन ग्रेडेड मिलती है। ठीक ठीक। 90-95 में आपको ग्रेडेड गाड़ी मिल जाती है। ये आपके पास वीजल खड़ी है, ये भी वीजल फेवरेट गाड़ी। हाँ, हमारे पिशावर में लोग पसंद करते हैं इसको, रोड क्लियरेंस की वजह से भी और हाइब्रिड भी है। तो ये 17 मॉडल की आरएस है, इसके साथ साथ ये जो है ये 2018 मॉडल की जेड सेंसिंग है, ऑरेंज इंटीरियर में। ठीक है। ये प्रियस अगर आप दिखाना चाहें अपने व्यूअर्स को तो ये जीएस है। ठीक है। जीएस लेदर सीट्स आ जाती हैं इसमें, बॉडी किट्स आ जाती हैं आपके पास, इसके साथ साथ अलॉय व्हील्स इसमें आ जाते हैं, तो लोग पसंद करते हैं ये चीज़ भी।
और अच्छा वेरिएंट है। इसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक और गाड़ी दिखा दें सर। स्पोर्ट्स कैटेगरी में हमारे पास एक आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स भी है और काइंड ऑफ लग्जरी भी है, मार्क एक्स, हमारे पिशावर के बॉयज का फेवरेट आइटम है। सिर्फ पिशावर की नहीं सर, पूरे पाकिस्तान। हाँ, अभी तो पूरे पाकिस्तान के हो गए क्योंकि रियर व्हील आपको पता है आजकल बॉयज बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, तो जी, ये हमारे पास 300G मार्क एक्स है, विदाउट सनरूफ है बट विद ट्रैक्शन है। ठीक है, इसमें आ जाती है इलेक्ट्रिक फैब्रिक सीट्स, इसके अंदर आ जाती है 3000cc है, तो बस बाकी आपको पता है आप चौक पे घुमाते जाएं वो अलग बात है, पुलिस वालों ने अभी चौक बंद कर दिए आप लोगों पे। लग्जरी क्लास के अंदर ये आप देख सकते हैं 2017 का हमारे पास ZX है, जो कि एक ऑर्डिनरी ZX नहीं है, लैंड क्रूजर ZX जी फ्रंटियर 2017 मॉडल, 2021 की इम्पोर्ट। इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी रेयर हैं जो कि मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि अब यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं मॉडल एक्स्ट्रा किटेड है, इसके साथ साथ इसमें जो रूफ रैक है वो क्रोम आया हुआ है, साइड डोर्स में नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रोम मिलेगा। अच्छा, इसमें जो ये साइड मिरर्स हैं ये पियानो ब्लैक हैं। इसके साथ साथ इसके इंटीरियर में आपको डायमंड लेदर सीट्स मिल जाती हैं, जो कि हीटिंग, कूलिंग, इलेक्ट्रिक, एवरीथिंग, मतलब उस सीट के अंदर हर एक ऑप्शन है। वो जो हमारे लोग कहते हैं फुल हाउस, फुल हाउस से भी ऊपर हाउस है। इसका रूफ जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक है। इसमें एग्जॉस्ट जो है वो आफ्टर मार्केट आए हुए हैं, आफ्टर मार्केट में नहीं, आप मतलब जो एक ऑर्डिनरी लैंड क्रूजर के अंदर आते हैं वो नहीं है, आफ्टर मार्केट ही कह सकते हैं आप इसको। और ये है 4.5 ग्रेड की, इसकी डिमांड जो हम करते हैं डिमांड इसकी है 4,35,00,000 रुपए, 435। ये भी आपकी सेल्फ इम्पोर्ट है? ये भी हमारी सेल्फ इम्पोर्ट है। ठीक, जी बिल्कुल, माशाल्लाह। तो बड़ी गाड़ियों का आपको पता है मतलब पिशावर में रुझान एक टाइम पे काफी रहा है, आजकल मार्केट ऐसी है कि मतलब इतना नहीं है सर, लेकिन ये तो ऐसा आइटम है यार। हाँ, ये अभी हम जितनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं प्री बुकिंग पे इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास प्री बुकिंग आ जाती हैं तो हम उनके लिए स्पेसिफिकली एक क्लाइंट के लिए इंपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा सर, अब हमारे पास स्पोर्ट्स कैटेगरी भी हो गई, लग्जरी भी हो गई, इकोनॉमी भी हो गई, इकोनॉमी कुछ यूनिक गाड़ियाँ भी दिखा दें। यूनिक गाड़ियों में आपको पता है बस मेरी अपनी एक यूनिक गाड़ी है जो कि मैंने बड़े प्यार से रखी हुई है, 2 साल हो गए हैं इसको मेरे पास। ठीक है, ये है 1998 की सिविक, और इसकी यूनिकनेस जो है वो इसकी लो माइलेज और इसकी बॉडी कंडीशन है। ये टोटल जेन्युइन है बॉडी से, इसमें कोई रीपेंट वगैरह नहीं है, पार्कवीज इंस्पेक्टेड भी है। अच्छा, और 86,000 ऑन द क्लॉक, मैंने ये जब ली थी उस टाइम पे ये 84,000 ड्रिवन थी, और 2 साल में मैंने 2,000 किलोमीटर चलाई है। मतलब सिर्फ शोरूम पे खड़ी रही है? हाँ, ये इधर खड़ी रहती है बस, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको वीकेंड भी नहीं है, मेरी मंथली और once in 2 months जो है। तो माशाल्लाह सात भाई, यूनिक गाड़ी में सिर्फ ही गाड़ी है कि नहीं? यूनिक गाड़ियों में एक और भी बड़ी अच्छी गाड़ी है मेरे पास, एक मेरे पास टोयोटा का प्राडो है। ठीक है, 1998 मॉडल है, TZ है, 3400 ओरिजिनल पेट्रोल है, और हमारी ये जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है क्योंकि वो है पिशावर रजिस्टर्ड, तो आपको पता है हमारे KP के लोग और जो ट्राइबल साइड के लोग हैं वो पिशावर नंबर को फिर भी पसंद करते हैं। तो साथ भाई, इसकी क्या वजह है लोग पिशावर में रह के पिशावर का नंबर नहीं पसंद करते? उसकी क्या वजह? उसकी मेन वजह हमारी जो हाइप यहाँ पे क्रिएटेड है, हालांकि अगर आप देखो तो कराची साइड पे कोई नहीं पसंद करता इस्लामाबाद नंबर, और लाहौर साइड पे पंजाब में लोग पंजाब का नंबर पसंद करते हैं, कराची में लोग कराची का नंबर पसंद करते हैं, ये सिर्फ हमारे KP में ये रुझान बना हुआ है इस्लामाबाद नंबर का। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा अपना एक्साइज है, हमें ईजी भी होगा, एक्सेस भी आसान है, तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को पिशावर में लाएं कि लोग पिशावर के नंबर को भी प्रेफर करें। और सर, और पिशावर नंबर की गाड़ियों और इस्लामाबाद नंबर की गाड़ियों की मार्केट में भी मतलब मार्केट वैल्यू में फ़र्क ये इसी वजह से है क्योंकि हमने खुद पिशावर नंबर को डिवैल्यू किया हुआ है, अगर हम उसको कदर देंगे तो वो कभी भी उसमें फ़र्क नहीं होगा। हमें ये स्टेप लेना चाहिए, हमें अपने पिशावर को मतलब अगर हम अपने पिशावर का नाम नहीं ऊपर करेंगे तो डेफिनेटली और कोई तो नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, अब देखें पंजाब के लोग आकर तो यहाँ पे गाड़ी नहीं रजिस्टर करेंगे। सही बात, ये हमें खुद करना चाहिए कि हम अपने एक्साइज में गाड़ियाँ रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल, ये जी एक यूनिक चीज़ है हमारे पास, 1998 मॉडल का प्राडो है, TZ 3400cc पेट्रोल, और पिशावर रजिस्टर्ड है, बॉडी कंडीशन इसकी बहुत अच्छी है, और इंटीरियर वाइज ये बहुत नई गाड़ी है, और अभी रिसेंटली इसमें मैं नथिया गली से होके आया हूँ तो बहुत अच्छा फीडबैक था इस गाड़ी का, इसने मुझे कहीं भी इनकार नहीं किया, इवन के स्नो में भी। टायर इसके ब्रांड न्यू, मैंने तकरीबन अभी कोई 2-3 महीने पहले इसको ब्रांड न्यू टायर, गुडियर, हाँ गुडियर के टायर हैं,
तो बस इस गाड़ी की हम डिमांड करते हैं 45.5 लाख रुपए, और बाकी जिस भाई को चाहिए हो तो बस अच्छी दे देंगे। खैर सही सही। आई होप आप लोगों को एक शॉर्ट सा डील डन सीरीज पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इन गाड़ियों में से कोई गाड़ी भी पसंद आती है तो आप डायरेक्ट साज भाई से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा पेज का, और आप लोग मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मुझसे ना करें, इनसे करें ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे सकूंगा। लेकिन साथ भाई से आप फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। हाँ जी, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का पेज आपका लिंक का विजिट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग सीरीज से। तो मुझे और साथ भाई को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।